इस वर्ष गेहूं का कारोबार काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। केंद्र सरकार की अस्पष्ट आयात निर्यात नीति ने गेहूं के कारोबार में भाव को लेकर अस्थिरता ला दी है। मंगलवार को केंद्र की एक अधिसूचना के अनुसार 14 अगस्त 2022 से रवा, मैदे और गेहूं के अन्य उत्पादन के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि 12 जून से गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। गेहूं के भाव में करीब 100 रुपए क्विंटल की मंदी आ चुकी है, जिससे स्टॉकिस्टों में घबराहट का माहौल है। आपको बता दें कि सीजन में तेजी के दौर में कारोबारियों ने लाखों क्विंटल गेहूं स्टॉक कर रखा है, जो ब्याज भाड़े से महंगा पड़ने लगा है। इस वर्ष गेहूं उत्पादन में किसानों को अच्छा खासा भाव मिला था। शुरुआती दिनों से ही मंडी नीलामी में गेहूं के भाव सरकारी खरीद भाव 2050 से काफी ऊंचे रहे। कारण, सरकार ने गेहूं निर्यात को लेकर पूरा समर्थन कर रखा था। नतीजन, प्रदेश सहित उज्जैन से लाखों टन गेहूं निर्यात किया गया। इस दौरान मिल क्वालिटी गेहूं 2300 के करीब बिकने लगा था, लेकिन सीजन के दौरान ही 13 मई से गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिया। सैकड़ों टन गेहूं कांडला पोर्ट पर धरा रह गया, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और इसके चलते बाजार में मंदी की धारणा बन चुकी थी। लेकिन गेहूं उत्पादों का निर्यात जारी रहने से गेहूं के भाव में पुनः सपोर्ट देखने को मिला, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 से आटे के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे एक बार फिर से मंदी का माहौल छा गया। अब त्योहार सीजन में रवा, मैदे से मांग बनती दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से विदेशों में निर्यात होने से भाव में 200 रुपए की तेजी देखने को मिली। अब इसे रोकने के लिए सरकार ने 14 अगस्त से रवा, मैदे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे गेहूं के भाव में एक बार फिर से मंदी आ चुकी है। आटा उद्योगपतियों की माने तो उनके अनुसार गेहूं और गेहूं के उत्पाद के निर्यात को लेकर सरकार के बार बार बदलते फैसलों के चलते व्यापार असमंजस की स्थिति में पड़ चुका है। आटा प्लांट नुकसान में आ चुके हैं। हालांकि प्रतिबंधों से गेहूं में स्थायी मंदी नहीं बताई जा रही, क्योंकि सीजन में समर्थन मूल्य खरीदी में सरकार को लक्ष्य से आधी मात्रा में भी गेहूं नहीं मिल पाया। कारोबारियों के गोदाम भले ही भरे पड़े हों, पर सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं। ऐसे में बाजार में एक बार फिर से मांग बनने पर गेहूं के भाव बढ़ सकते हैं। जानकारों के अनुसार ऐसी स्थिति में सरकार गेहूं निर्यात का निर्णय ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।